ये आंसर तो मैं ये करूंगा कि हमने ये टिकट आदरणीय गुप्ता साहब को दी है। मैं चुनाव लड़ा था, मेरे से दुष्यंत जी की बातचीत हुई और इस परिवार के शामिल होने से ना केवल ये सीट हम जीतते हैं बल्कि जींद जिला ही नहीं पूरे प्रदेश में इसका प्रभाव पड़ता है। और ये ऐलान आप माने तय माने, बाकी ऐलान तो होता है जब टिकटें अनाउंस होती हैं, मगर मैं इस बात की अनाउंसमेंट आपके बीच में कर रहा हूँ कि वहाँ से आदमी जी भी चुनाव लड़े की जगह पर आज सारा परिवार जेजेपी का के स्वागत में यहाँ आया है। मैं दिल की गहराइयों से इनका सिरसा में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमें राजनीतिक तौर पर ही नहीं, एक परिवार के बड़े होने के नाते आज से नहीं, दुष्यंत जब पहला चुनाव लड़े थे इनका सानिध्य मिलता रहा है। प्रोन एंड कॉन्स ऑफ राजनीति, यानी चाहे संगठन दूसरा रहा हो मगर जैसे दादा पोता का रिश्ता होता है, आदरणीय मांगेराम जी ने सदैव दुष्यंत को बड़े हक से सही और गलत राजनीति की दिशा के बारे में बताया है। जितनी राजनीति में मैंने संघर्ष किया, मेरा परिवार, इनका बहुत बड़ा परिवार, देवलाल से लेके मेरे परिवार में मेरे से पहले कोई राजनीतिक व्यक्ति था ही नहीं। संघर्ष तो क्या राजनीतिक व्यक्ति था, मैंने पहले बार सन 1977 में जनता पार्टी की जो बहुत बड़ी लहर आई थी पहली बार हरियाणा में राजनीति में, मैंने उस वक्त इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था आज़ाद। आप देखो उस अंतर में तो कितनी बड़ी हवा थी और मैं उसमें इंडिपेंडेंट विधायक बना। जब इलेक्शन लड़ता तो जाता इसलिए गए, लेकिन मैंने इनको जो बात की साफ कही, ना मैंने इनकी मुखालफत की कहीं पर भी, ना मैंने किसी का साथ छोड़। अब ये वहाँ के जो इनके पार्टी के आदमी हैं, हमारे मित्र तो हैं, उनके कहने से ये विचार इन्हें बदल लिया कि गुप्ता जी नहीं लड़ना चाहते तो इसके बेटे में क्या कमी है, इसको लड़ा।